नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली संकट की। जी हां, आंध्र प्रदेश राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश कोयले की कमी से बिजली का संकट है। बिजली की खपत के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर रोज 70,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, जबकि प्रदेश में हर रोज सिर्फ 24,000 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में कोयले की कमी और बिजली संकट की संभावना पर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। सत्ता पक्षों या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ने 8 लाख मैट्रिक टन कोयला खरीदने के लिए टेंडर किए हैं, युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। 10 घंटे बिजली पंप पे और 24 घंटे बिजली गांव में हम दे रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी हमारे फीडर सेचुरेशन नहीं हुए, उन जगहों पे कुछ जगह यहाँ सिर्फ कोई प्लांट नहीं, एक यूनिट खंडवा की बंद है, बाकी कोई यूनिट बंद नहीं है और ऐसी अभी कोई संकट नहीं है। और इस समय हम बिजली में सरप्लस में हम बिजली बेच भी रहे हैं, आपको ये भी बता देना। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इन अपनी जनरेशन कंपनी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, लगातार घाटे में चल रही है, इससे सरकार का बड़ा मोटा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई उसी तरीके से की जाएगी कि जिस तरीके से और चीजों को बेचा जा रहा है और सरकार की जो उपक्रम जो घाटे में है उनको बेचा जा रहा है, उसी प्रकार से किसी दिन आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनरेशन कंपनी भी किसी प्राइवेट पार्टी, किसी अडानी या अंबानी के हाथ बेच दी गई। और यही इनकी योजना है कि पहले संस्था को घाटे में लेके आओ और घाटे में लेके आकर फिर उसको। वहीं हमारे संवाददाता ने सिंगरौली स्थित एनसीएल की खदानों में जाकर पड़ताल की है तो ये तथ्य सामने निकल कर आया कि जहां अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग काफी बढ़ गई है, तो वहीं सितंबर महीने में ज्यादा बारिश होने की वजह से कोयला खदानों में कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराने लगा है। इस बिजली संकट के गहराने का सबसे पहला कारण है कोयले की आपूर्ति न हो पाना। हम आज खड़े हैं सिंगरौली की एनसीएल खदान, ये कही जाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी या मिनी रत्न कंपनी के नाम से जानी जाती है और इस कोयला खदान से कई जगहों पर पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह रहा कोयले की आपूर्ति में कि कोरोना काल के पीक के दौरान कोयला खदानों के द्वारा प्री मानसून की तैयारी नहीं की गई, कोयला खदानों में पानी निकासी की मशीनें, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण भारी बरसात होने की वजह से इनका उत्पादन भी प्रभावित रहा। दूसरी ओर यदि हम बात करें कि एनसीएल के द्वारा जो पावर प्लांट है उनको कोयला जो दिया जाता है उसकी मांग पावर प्लांटों के द्वारा समय रहते नहीं की गई। पावर प्लांटों के द्वारा माह अप्रैल और मई में जो आपूर्ति थी, आपूर्ति के बदले अब सितंबर माह में वो आपूर्ति बढ़ी है और उस आपूर्ति के हिसाब से, बिजली की मांग के हिसाब से कोयले की आपूर्ति पावर प्लांटों को नहीं हो पा रही है। यदि हम बात करें कि आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो मात्र 3 दिनों के लिए ही कोयले का स्टॉक मौजूद। हम एनसीएल से इस संबंध में उनके जनसंपर्क अधिकारी या उनके अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस बारे में कोई सार्थक जवाब नहीं दिया और स्पष्ट कह दिया कि ये कोल इंडिया लिमिटेड का मामला है और सरकारें और कोल इंडिया लिमिटेड मिलकर इस संबंध में उचित राह निकाल रही हैं। सिंगरौली से इंडिया न्यूज के लिए आशीष तिवारी। वहीं कोयले की कमी से पैदा हुई बिजली के संकट से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं जूझ रहा बल्कि छत्तीसगढ़ में भी चल रहा बिजली संकट आने वाले दिनों में और भीषण रूप ले सकता है। कुछ पावर प्लांट में तो केवल 1 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। दरअसल कोयले की अनियमित आपूर्ति के चलते प्रदेश के 16 में से 4 पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच गए हैं जबकि 6 क्रिटिकल स्टेज में पहले से ही शामिल हैं। 28 सितंबर को जारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के फ्यूल मैनेजमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक पावर प्लांट के पास बामुश्किल 5 से 7 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। अधिकारियों का यह कहना है कि बारिश के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधा आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ सनवर पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जो मध्यप्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर पटेल साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने पर। सनवर पटेल जी, आप ही के साथ में शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहला बड़ा बेसिक सा मेरा सवाल है, क्या स्थिति इस वक्त है मध्य प्रदेश में, आप बताइए सर। देखिए पराग जी, बहुत ही संवेदनशील इशू आपने उठाया है कि पूरे
देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोयले की कमी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में देखा था जी कि चाइना में 15 दिन उद्योग धंधों को बिजली दे रहे हैं, 15 दिन नहीं दे रहे हैं, फैक्ट्रियां 15 दिन खोल रहे हैं, 15 दिन नहीं खोल रहे हैं। लेकिन भारत में हमारे यहाँ अनेक प्रांतों में कमियां देखने को मिलने के बावजूद में मध्य प्रदेश के का प्रवक्ता होने के नाते मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी ऐसा ब्लैक आउट या इस प्रकार की कोई स्थिति बने। और अभी आपने जहां तक बयान दिखाया हमारे ऊर्जा मंत्री जी का, उन्होंने बिल्कुल बहुत ही साफ साफ कहा है कि 8 लाख मैट्रिक टन खरीदने का कोयला हमने टेंडर कर चुके हैं, वर्तमान में भी हमारे पास 2.5 लाख मैट्रिक टन कोयला मौजूद है। तो ये संवेदनशील सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जनहितैषी कार्य के काम करने वाली सरकार है, रात दिन चिंता करने वाली सरकार है। यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिस प्रकार की अन्य हमारे विपक्षी दल के जो भाई लोग है, अभी तो वर्तमान में तो मैं अमित जी के साथ बैठा हूँ तो अभी उनको नहीं सुना है, लेकिन बाकी अन्य लोग जिस प्रकार से बातें करते हैं, इस प्रकार की मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। अब वो राजनीतिक कारणों से कोई प्रार्थना कर रहे हो तो बात अलग है, वरना ठीक है। सनवर जी, एक और मेरा इसमें सवाल है आपसे, यह है क्योंकि जनता आंकड़ों को नहीं जानती है, जनता ये पूछ रही है कितने दिन और बिजली आ सकती है, कितने दिन का और कोयला बचा हुआ है और कितने दिन बाद संकट हो सकता है, इस पर आप थोड़ा बताइए बड़ी सरल भाषा में। देखिए, आभास में और अंदाजों पर जो है वो दुनिया नहीं चलती है। पराजी में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ रबी की खेती होने वाली है, रबी की फसलों के हमको अतिरिक्त बिजली की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि कोरोना काल के बाद उद्योग धंधों में बिजली की मांग अचानक से बढ़ी है, मैं बता रहा हूँ आपको रबी की फसल होने के कारण, सिंचाई होने के कारण से अभी मांग बढ़ेगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के सारे इंतजाम कर रखे हैं और आज भी हम बिजली में सरप्लस है। आगे लगातार मैं आपकी सीधा जवाब दे रहा हूँ, आगे हम लगातार बिजली इसी प्रकार से देने का काम करेंगे, 10 घंटे और 24 घंटे। ठीक है अमित जी, बताइए सर, मध्य प्रदेश में तो देखिए कोई संकट नहीं है, ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं इस बात को कि ये सिर्फ कोरी राजनीति विपक्ष वहां पर कर रहा है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है आप लोगों की? देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं अभी पटेल जी की बातें को सुन रहा था। देखिए मैं एक चीज पे फोकस करना चाहता हूं कि देश में आज ऐसी स्थिति आई क्यों है, और जो स्थिति विकराल हुई है, जो बिजली संकट आया है, वो कोयले की कमी से कई राज्य भाप की ओर हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। भारत के कई राज्यों में संकट लगभग 10,000 मेगावाट की कमी आई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 2.4 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ, और उसमें 3 मिलियन टन कोयला जो है वो उठाव के बाद भी राज्य में बिजली संकट और देश में बिजली संकट क्यों आ रहा है, क्योंकि कोयले की किल्लत हो रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे 386.688 गीगावाट बिजली का उत्पादन हमारे देश में होता है, और उसमें लगभग 53.64 लगभग 209 गीगावाट जो है वो कोयला से आधारित होता है। लेकिन लगातार हम देखेंगे, खास करके मैं जिस प्रकार पटेल जी ने कहा, मैं भी उनके साथ आज पहली बार बैठा हूँ, लगातार 6 सालों से मैं भी पार्टी के लिए डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज शायद उनके साथ पहली बार बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार केंद्र की जो सरकार है वो गैर भाजपाई जो राज्य है उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। मैं एक बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़ी विनम्रता पूर्वक पटेल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी जो करीब 2 से 6 दिन का कोल स्टॉक हमारे यहाँ बचा है, लेकिन कंपनी लगातार हमारे जो अधिकारी हैं वो उस पर निगरानी रखे हुए हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं, और कमी ना हो इसके लिए लगातार केंद्र सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सोचने का विषय है कि अभी त्योहारी सीजन आने वाला है और त्योहार अभी चल रहा है, और हमने देखा है कि त्योहारी सीजन में पराग की बिजली की डिमांड काफी बढ़ जाती है, और खास करके जैसे आज हम देख रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी पीएम से गुहार की है कि हमारे जो देश, हमारा जो प्रदेश है और देश में जो बिजली संकट आया है, तो कम से कम त्योहारी सीजन में और इसको केंद्र को निगरानी रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लगातार अगर 2.5-3 सालों में हम देखेंगे, मैं सिलेवार आपको डांटा बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई और प्रचंड बहुमत से जो हमारी 70 सीटें आई हैं, लगातार मोदी जी अपने आप को कहते जरूर है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन अगर आप देखेंगे तो
तो जब से हमारी सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है, चाहे फिर वो योजना लाने की बात हो, चाहे जीएसटी पैसा देने की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे चावल लेने की बात हो, लगातार कैसे हमको प्रताड़ित किया जाए, कैसे परेशान किया जाए, ये केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान करते हैं और क्यों करते हैं, मैं वो भी आपसे सिर्फ 10 सेकंड, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। देखिए क्या है कि अपने आप को मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ वी आर मिनरली रिच, छत्तीसगढ़ मिनरली बहुत रिच है पराकी, जैसा आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ का कोयला तो केंद्र सरकार को चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की योजनाओं को शामिल नहीं करते। और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता जब अभी बिजली संकट जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं पराजी कि 447 मेगावाट की हमारे यहाँ डिमांड हो गई थी और हमारे यहाँ उत्पादन 3850 का है, तो रमन सिंह जी लालटेन लेके निकल गए थे। अब कोयला की कमी है, अगर मैं कोयला की मसाल यात्रा निकालूंगा तो क्या भाजपा के नेता उसमें शामिल होंगे? क्या जनता के जुड़े मुद्दे से के लिए वो केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर संकट है तो ये सभी राज्यों के लिए ना जी, देखिए संकट तो सभी राज्यों के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से कोयला गीला हो गया इसलिए उसको यूज में नहीं लिया जा सकता है। इसके साथ ही क्योंकि कोविड काल में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी, उसके बाद जब एक बार फिर से चीजें सुचारू हुई हैं तो एकदम से जरूरत ज्यादा पड़ गई बिजली की और इस वजह से हुआ। ये तो वही ठीक वैसा हो गया जैसे कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर इतने नहीं थे, बेड्स की संख्या इतनी नहीं थी, वेंटिलेटर इतने नहीं थे, ऐसे ही कोयले के लिए अब हो रहा है। लगातार अगर आप केंद्र में बैठे हैं, जनता ने आपको बैठाया है, तो आप 130 करोड़ जनता की क्या जरूरत है? आप कोरोना काल में नहीं समझ पाते हैं, कितने टीके की आवश्यकता है आप नहीं समझ पाते हैं। आपको पता था कि कोरोना पेंडेमिक के बाद उत्पादन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज खुलेंगी। आज कोयला की कमी से 30-40% उसमें इंडस्ट्रीज में कमी आ रही है, उनके उत्पादनों में कमी आ रही है। तो क्या आप फेलवर है, या आपके बैठे हुए मंत्री फेलवर है, या आपके अधिकारी निरंकुश हो गए, या चाहते हैं? और आप जिस प्रकार मैंने कहा ना, आपका सबका साथ सबका विकास और सबका साथ जो कहते हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा ओबीसी लीडर जो कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो कोयला जो है वो कोयले से ही हीरा निकलता है। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो आज बनारस में दहाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, प्रदेश देश के राज्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और भाजपा के सरकार को ऐसा लगता है कि कैसे उनको प्रताड़ित करें, कैसे रोकें, ताकि ये छत्तीसगढ़ का जो हीरा है वो जाके आज जो यूपी में जिनको ऑब्जर्वर और प्रभारी बनाया गया है, लगातार जो उनका कद बढ़ रहा है और जो आज वो बनारस में दहाड़ रहा है, तो कैसे उसको प्रताड़ित करें, कैसे उसको परेशान करें? लगातार ये सरकार इसलिए प्रताड़ित कर रही है। ठीक है सनवर पटेल जी, भेदभाव क्यों हो रहा है सर? एक तो इस पर आप जवाब दीजिए, और दूसरा ये कि अगर छत्तीसगढ़ में बिजली की कमी हो जाएगी तो इसका ठीकरा किसके ऊपर राज्य सरकार खोड़े, इसका भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये भेदभाव वाली बात यहाँ पर अमित जी कर रहे हैं। और अगर बिजली की कमी हो जाएगी तो सर फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो मजदूरों की रोजी रोटी कैसे चलेगी सर? अच्छा पराग जी, आपने अच्छा सवाल किया, हमारे विद्वान मित्र ने हमारा जवाब भी दे दिया और हमसे सवाल भी कर लिया। देखिए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर बिजली का संकट है तो मध्य प्रदेश की सरकार की गलती है, और छत्तीसगढ़ में अगर संकट है तो केंद्र सरकार की गलती है। मतलब आप दोनों तरफ के बोल दीजिए कि आप इन्हें कह दिया कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार की गलती नहीं, ऐसा आपने कह दिया। पर मैं बताना चाहता हूँ दो तीन संदर्भों में मेरी अपनी बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पिछले एक माह से मध्य प्रदेश के हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं वो पिछले एक माह से लगातार चिल्ला रहे हैं कि 3 दिन बाद मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट हो जाएगा, अब यहाँ पर कोयला खत्म हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ कोयला खत्म होने वाला नहीं है, यहाँ सक्षम सरकार है, यहाँ संवेदनशील सरकार है, जनहितैषी सरकार है, यहाँ पर कोयला खत्म नहीं होगा। आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता अंधेरे में आए? नहीं आने वाली है, मजबूत नेतृत्व है। सर वही तो पूछ रहे हैं अमित जी कि राजस्थान में कैसे खत्म हो गया, कैसे छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया, मध्य प्रदेश में कैसे खत्म नहीं हो रहा है? इसका जवाब तो होगा ना कि आपूर्ति आपको मिल रही है लगातार। देखिए ये संवेदनशीलता है, ये सक्षम नेतृत्व है, समय पर चिंता करते हैं, जैसा उन्होंने भी कहा कि हम अपने अधिकारियों के साथ लगातार चिंता करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए आप, इन्होंने कहा, हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि ऐसी स्थिति आई क्यों? आपने अपने रिपोर्ट में बताया है कि सिंगरौली की जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है वहां परिस्थितियां किस प्रकार की बनी, डिमांड बढ़ गई ज्यादा, और उन्होंने कोरोना काल में ये बंद रहने वाला है ये डिमांड नहीं की, इस डर से कहीं ना कहीं उन्होंने मेंटेनेंस में कमी छोड़ी या कोई कारण से आज वहां पानी सितंबर में, पानी गिरना तो हमारे हाथ में नहीं है, तो प्राकृतिक व्यवस्था है ईश्वर के हाथ में। अब सितंबर माह में इतना पानी नहीं गिरता है आमतौर पर,
और इस बार सितंबर माह में जब ज्यादा पानी गिरा तो स्थिति इस विकट स्थिति को बनने में उसको उसको साथ मिल गया कि स्थिति थोड़ी विकट बने। और उन्होंने कहा कि हम लोग 70 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि आपने जीते, आप बधाई के पात्र हैं अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं लगातार 30-30, 40-40 विधायक। मैं अपने विद्वान मित्र अमित जी से पूछना चाहता हूं, जाकर वहां दिल्ली बैठ जाते हैं नेतृत्व परिवर्तन के लिए, सिंहदेव जी बोलते हैं कि हमको तो जो है 2.5-2.5 साल की बात हुई थी, तो अब आपसी लड़ाई और आपसी सर्वतोवल में आपका काम अगर समझ आया होगा तो फिर ये बताइए आप क्या अधिकारियों से काम कैसे लेंगे और आपकी परेशानियों को हल कैसे करेंगे। तो समस्या आपके अंदर है, समस्या केंद्र में नहीं है, समस्या भेदभाव की नहीं है। और आपने कहा कि हम धाड़ रहे हैं जाकर प्रयागराज में या इलाहाबाद में, जहां भी आपने कहा है कि हम वहां धाड़ रहे हैं, तो कवर्धा के बारे में भी कुछ बोल दीजिए कि कवर्धा में क्या हो रहा है। भाई आप कवर्धा भी चले जाइए अपने मुख्यमंत्री जी से, कवर्धा जाए बात करें, कवर्धा के बारे में अपने राज्य में जो हो रहा है उसके बारे में भी बात करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल सवाल अमित जी ये है, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं जो लापरवाही मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर लापरवाही का आरोप आप लोगों के है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले से ही क्यों समन्वयक नहीं बिठाया, ये सवाल यहाँ पर सनवर जी कह रहे हैं कि साहब लापरवाही तो आपकी है, आप लोग पहले से सोचकर नहीं चल रहे हैं, हमने पहले से सजगता दिखाई, हम लोग सक्रिय रहे तो देखिए आज कोयला भरपूर है और बिजली उत्पादन लगातार हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो बड़े भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे मित्र पटेल जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कहा आप कवर्धा के विषय में, मैं आपको बता दूं कि कवर्धा और छत्तीसगढ़ बहुत शांत है और पूरी जो सिचुएशन इज नाउ अंडर कंट्रोल, और जिस प्रकार से वीडियोज आ रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर है पटेल जी कि वहां पर भाजपा के नेताओं ने उसे किस टाइप का रंग देने का प्रयास किया। अब आपने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कितनी संवेदनशील है, मतलब आपका कहना था कि केंद्र की जो सरकार है वो संवेदनहीन है। और दूसरा आपने कहा हमें, आपने कहा कि 40 विधायक चले जाते हैं दिल्ली, आपको तो ये तो नैतिकता के नाते आपको तो कहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह जी बिना विधायकों के मुख्यमंत्री बने थे साहब, जिस प्रकार से सरकार को पलटाया गया, जिस प्रकार से जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, देश की जनता ने वो भी देखा है, और जो सर फटौल अभी चल रहा है, और कहते हैं ना कि बात आप छत्तीसगढ़ की करते हैं, बात आप राजस्थान की करते हैं, आप पंजाब की करते हैं, और मुख्यमंत्री बदलते हैं आपके उत्तराखंड के, आपके गुजरात के। अमित जी आज बिजली पर चर्चा करिए ना साहब, देखिए जनता ये सोच रही है कितने दिन और घर का बल्ब जलेगा, कितने दिन और पंखे की हवा खाने को मिल जाएगी। पराग जी प्रश्न पटेल जी ने उठाया था तो मेरा नैतिक धर्म जवाब मुद्दा, ठीक है सर, हो गया, लगातार उसको मत खींचिए अब जी, सुन लीजिए आप। देखिए जिस प्रकार से बिजली का जो आपने कहा, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी स्थिति ना आए उसकी भी लगातार सरकार और केंद्र की एजेंसी से लगातार बातें हमारी चल रही है। और छत्तीसगढ़ में कम से कम हमारे यहाँ तो जीरो जिस प्रकार सरप्लस स्टेट है अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी हो चाहे सीएससी है, हमारे यहाँ बालको हो और जो पावर प्लांट है, अगर कोयले की कमी से वहां पर 30-40% जो है वो उत्पादन का घटके रह गया है, वो लगातार केंद्र की एजेंसी, जैसे आपने कहा मैं तो देख रहा हूं सर 5-7 दिन का कुछ पावर प्लांट में बचा हुआ कोयला, बस छह दिन का। तो मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि वो पटेल जी ने कहा कि भाई पानी तो हमारे बस में नहीं था, तो साहब आपको ये तो पता था ना कि अर्थव्यवस्था में तेजी से मांग के कारण अभूतपूर्व उसमें वृद्धि होने वाली है, आपने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं किया। और जिस प्रकार से चलिए मानसून को हम एग्जेम्प्ट करते हैं कि मानसून आपके बस में नहीं था, पानी खदानों में भर गया, ये मैं आपकी बात को मान सकता हूं, लेकिन आयातित कोयले की जो जो हम करते हैं बाहर से, तो उसमें जो चीन और यूरोप से होता है उसको आपने अच्छे से मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया। और लगातार जिस प्रकार से बिजली कंपनियों पर जो अधिकार जो केंद्र सरकार जो लगातार जो राज्य सरकार डिमांड कर रही थी उसको फुलफिल करने का काम तो राज्य सरकार का केंद्र सरकार का था ना, लेकिन केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार क्यों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं पराग जी कि केंद्र सरकार एक ही चीज में क्यों लगे रहती है कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोय, छूट गया कुछ हो तो सूचित कर दो मोहे, तो अब इसको भी अगर लॉस करके हर चीज को बेच देना, जनता को दिग्भ्रमित करना, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ की कम से कम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में
2,80,00,000 की जनता की तरफ से कि आपको बदला लेना है तो कांग्रेसियों से लिए, छत्तीसगढ़ की जनता से मत लीजिए मोदी जी। ठीक है सनवर जी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा। स्वराज जी, मैनेजमेंट में कहीं कमी नहीं है। और सशक्त केंद्र सरकार ने अपने प्राण प्राण से पहले अपने जान की रक्षा की 135 करोड़ लोगों की, जैसा उन्होंने कहा था, मैं उनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं, और उसके बाद जहान की रक्षा की मुद्रा लोन के माध्यम से, जो लोग बेरोजगार हो गए थे करोड़ों करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से ऋण देने का काम किया। देखिए मैं उनको बताना चाहता हूं, ये सशक्त सरकार है और आप अपने अपनी आपसी लड़ाई को छोड़कर आप बाहर आएंगे, अपने अधिकारियों को और काम पर लगाएंगे। हम तो प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कभी बिजली के कारण से कोई ब्लैकआउट ना हो, कभी कोयले के कारण से ब्लैकआउट ना हो, हम तो वहां के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पर मध्य प्रदेश के लिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी सशक्त और मजबूत सरकार है, चिंता करने वाली सरकार है, यहाँ पर हमारे द्वारा पूरी समय समय पर चिंता की जाती है। विपक्ष एक माह से चिल्ला रहा है कि 4 दिन का बचा है, लेकिन वो 4 दिन पूरे विपक्ष के होंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ना पिछले 30 दिन में हुए ना अगले दिनों में होंगे। हम लगातार रबी की फसलों में त्योहारों के कारण से जो मांग बढ़ेगी उस सब की चिंता करने का काम कर रहे हैं। हाँ, उपचुनाव जब यहाँ आए तो हमारे जो विद्वान मित्र है अमित जी, उनको शायद ध्यान में होगा या नहीं होगा कि हमारे जो यहाँ की पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं वो प्रार्थना करने लग गए किसी प्रकार से कम हो जाए, किसी प्रकार से बिजली चली जाए, नहीं आने वाली, क्योंकि सशक्त सरकार है, जनहित से कार्य करती है, गांव गरीब किसान के नहीं जा, यह कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है, मजबूत सरकार है, सब काम ठीक से कर रही है। और अगर आप मुझे मौका दे तो मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में भी अपना जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सरकार के चेहरा किसी और का दिखाया, और जब शादी की तारीख आई बिठाया, अब बताइए आप जवान चेहरा दिखाओगे और बुजुर्ग से शादी कराओगे तो कोई करेगा क्या? फिर भी कर ली। उसके बाद यह हुआ कि सिंधिया जी को 15 माह तक लगातार अपमानित करने का काम किया, अतिथि शिक्षकों के मामले में उन्होंने कहा कि आप इन शिक्षकों को अपमानित मत करो वरना मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कहा उतर जाइए। अरे साहब, ये कैसा धम्म है, ये कैसा घमंड है? आपने कहा कि हम उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बदल देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का निश्चित नेतृत्व है साहब, जो उत्तराखंड का भी बदलता है और गुजरात का भी बदलता है, और वो सारे नेता जिनको बदले जाते हैं, जो नए आते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। और आपके वहां क्या होता है, कैप्टन को आप सिद्धू कैप्टन के लिए अरविंदर कैप्टन को छोड़ दिया। ठीक है सर, मुद्दे पर आइए प्लीज, सिद्धू बचे, ठीक है ये स्थिति आपकी। सर जी, अब मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए, बड़ा साधारण सा मेरा सवाल है, क्या बिजली की कोई कमी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में अब नहीं होने वाली है, और जितना उत्पादन पहले हो रहा था उतना ही अब हो रहा है, क्योंकि अब खपत बढ़ रही है सर, खपत बढ़ रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से खपत बढ़ रही है, और ये संवेदनशील सरकार है, सशक्त सरकार है। पराजय में आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, यहाँ किसी प्रकार का मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट नहीं होगा, यहाँ किसी प्रकार की ऐसी कमी नहीं आएगी जिसके कारण मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को प्लांट चल रहे हैं तकलीफ हो, और जितना स्टॉक प्लांट्स के पास होना चाहिए कोयले का क्या उतना स्टॉक है सर? पराजय निश्चित रूप से अभी हमारे पास 2.5 लाख टन का स्टॉक है, और आपने खुद बताया कि सारे प्लांट चल रहे हैं, सिर्फ खंडवा का किन्हीं कारणों से बंद है, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगी। और जो मध्य प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि आप लोग संवेदनशील नहीं हैं, और आप लोग जो कह रहे हैं कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि कैसे बिजली की किल्लत होती है, उसका जवाब आप लोगों के पास क्या है? क्योंकि देखिए कांग्रेस की तो मध्य प्रदेश और देश भर में हालत एक जैसी है। कांग्रेस की पुरानी आदत है कि पहले हर चीज का विरोध करते हैं, अब आप देखिए कि दुनिया जब महामारी से लड़ रही थी तो उन्होंने कह दिया वैक्सीनेशन आप प्रदेश को दे दीजिए, राज्यों को दे दीजिए, ठीक है फिर राज्य खरीदेंगे, जब राज्य नहीं खरीद पाए उनको दे दिए तो कहने लगे नहीं साहब आप खरीदिए। तो ये कांग्रेस में कोई साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विद्वान मित्र को भी बताना चाहता हूँ, वो बहुत काबिल और युवा प्रवक्ता दिख रहे हैं, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि इनको अपने नेतृत्व से बात करना पड़ेगी, वह नीति नहीं है। अमित जी, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? देखिए खपत लगातार बढ़ रही है, मांग बिजली की बढ़ रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि कोयले की कमी है, बिजली उतनी उत्पादन नहीं हो पा रही है जितना उसको होना चाहिए, कई प्लांट्स पर इसका असर पड़ा है। बताइए सर क्या स्थिति फिलहाल आप लोगों की ओर से
किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से अगर ब्लैकआउट होगा तो स्थिति क्या होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पटेल साहब भी जानते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी जो है वो लगातार कोरबा के जो हमारे पावर प्लांट है उस पर पूरी नजर रखे हुए है, और चाहे बाल्को हो, एनटीपीसी हो, चाहे मांडवा हो, चाहे भिलाई का टीपीएस प्लांट हो, लारा टीपीएस हो, लैंको हो, सारी जगह अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के साथ साथ कितने दिनों का स्टॉक है, सारी चीजों को उस पर नजर रखे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में कम से कम, क्योंकि हमारा स्टेट ईश्वर की कृपा है और यहाँ हमारी सरकार की ऐसी नीति है कि ब्लैकआउट होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता पटेल जी की मैं पूरी बातें सुन रहा था, और अगर आप कहें तो, लेकिन आप फिर कहेंगे कि आज बिजली का मुद्दा है, और जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी, मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है। और कहते ना कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और चैनल में आके भाजपा के नेताओं को मातम भी मनाना है। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दूल्हा नहीं था, साहब आपके पास दूल्हा था, मैं मान सकता हूँ, एक्सेप्टेड, बिल्कुल, मैं आई एम 100% एग्री विद योर स्टेटमेंट, लेकिन आपके पास दूल्हा था, लेकिन आपके पास बराती नहीं थे, लेकिन आपने बराती हमारे यहाँ से ले आके अपनी शादी रचाई, प्रदेश की जनता ने भी देखा कैसा आप लोगों ने किया। और जैसा कहते हैं ना कि आप पहले कांग्रेस के नेताओं को गाली बकते हैं, कोसते हैं, लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में जैसे ही वो डलते हैं तो पाक साफ होके क्लीन होके निकल जाते हैं और आप उनको ले लेते हैं। 303 में 127 कहीं ना कभी कांग्रेसी रहे हैं, आपके जो 303 की संख्या है भाई साहब, खैर आपको मुबारक हो, आपका आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, और हम आपसे कोई मेरा मतभेद नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पे, और मतभेद तो रहेगा क्योंकि हमारी गांधी विचारधारा सोच है और आपकी गोडसे विचारधारा की सोच है, दोनों कभी मिल नहीं सकती। लेकिन आज बिजली की बात है तो पटेल जी हम बात आज बिजली पे कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पराग जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, सरकार हमारी सशक्त है, और एक जिस प्रकार से पटेल जी ने कहा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व बहुत समृद्ध और सशक्त है, और पूरी मॉनिटरिंग हम करके रखे और लगातार हमारी केंद्र की एजेंसी से भी बातें चल रही है, छत्तीसगढ़ में कम से कम ब्लैकआउट की स्थिति नहीं आने वाली है। ठीक है पटेल साहब, बोलिए सर क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखिए हमारे विद्वान मित्र जी ने महात्मा गांधी जी का प्रश्न उठा दिया, तो उसका जवाब मुझे आप देने का मौका दीजिए, उसका तो देने दीजिए। देखिए महात्मा गांधी जी के नाम पर सिर्फ वोट मांगने का काम कांग्रेस ने पूरे 70 सालों से किया, जहां सम्मान देने की बारी आई तो आज उनका सबसे बड़ा सपना था स्वच्छ भारत। आप बताइए किसने स्वच्छता की अलग जगाई, महात्मा गांधी के असली पुजारी तो भारतीय जनता पार्टी था, आपने तो सिर्फ उनके नाम का, आपकी पार्टी ने उनके नाम का फायदा उठाया। सर अभी तो उज्जवल और रोशन भारत की चिंता करिए ना, प्लीज सुनिए ना पटेल जी, निश्चित रूप से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं आने की जाएगी, मध्य प्रदेश की सरकार सशक्त सरकार है, संवेदनशील सरकार है, आज करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध सरकार है, आज पटेल साहब हमें जो प्लीज त्योहारों में और रबी के इस मौसम में किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। पराग जी सरदार पटेल, आप भरोसा सरदार पटेल जी, देखिए दिवाली नजदीक है, दिवाली नजदीक है पटेल साहब, दिवाली नजदीक है और लोगों के घरों में भोपाल में रोशनियां नजर आती हैं, लोग चाहते हैं कि दिवाली पर उनका घर जगमग हो, किसान चाहता है कि लगातार उनको सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे, फैक्ट्रियों के मालिक ये चाहते हैं कि लगातार उनके धंधे चलते रहें, क्योंकि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका जो रोजी रोटी का जो तरीके से उनकी व्यवस्था है वो चलती रहे, इसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों की यही स्थिति है, मध्य प्रदेश का जो आप उदाहरण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो आप जिक्र कर रहे हैं, और ये आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई सजगता इसमें नहीं दिखाई है, तो आप लोगों ने ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाई है सर, थोड़ा बताइए श्रीवास्तव जी को भी, वो भी इसको अपना लें, कम से कम जो कमी की बात वो कर रहे हैं वो आगे आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में ना हो। जवाबदेही बने, आप 2.8 करोड़ जनता जो आपने बताई है हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे भाई है वो, मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो, उनके लिए जवाबदेही बने आप। आप अपने नेतृत्व परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं रोज, हम रोज यहाँ समाचार चैनलों में देखते हैं कि आज फ्लाइट उड़कर दिल्ली गया है, फिर दिल्ली के बगीचे में बैठा है, फिर उनका नेतृत्व उनको मिल नहीं रहा है, फिर वहां से वापस छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। जब आप इन कामों में, अपने अंदर की लड़ाइयों में, अपने गुटबाजियों में, अपनी सर फुटबॉल में समय बिताएंगे तो आप बताइए कि वहां की चिंता कैसे करेंगे भाई। इंसान के पास होते तो 24 घंटे ही है ना, आप इस काम में लगा लो अपनी सर फुटबॉल में, या जनहितैषी कामों में लगा लीजिए। देखते हैं कभी वही का नंबर है
और जिस प्रकार नहीं हटने वाले करने वाले हैं, कभी कैलाश विजय वर्गी करने वाले हैं, तो हम लोग भी ऐसे चैनल देखते हैं। नेतृत्व पर सर बहुत जल्दी आप लोग आ रहे हैं, संकट पर भी आइए प्लीज अमित जी। देखिए निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि केंद्र की जो सरकार है उसकी नीतियां जो है जब से वो देश में आई है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे कोयले का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, जनता प्रताड़ित है, जनता दुखी है। और लगातार ये सरकार सिर्फ चार लोग चला रहे हैं, दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले, और इनकी एक ही नीति है कि गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो। उसी काम में केंद्र की सरकार लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है। जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है, जनता रोजगार के लिए तड़प रही है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी एक ही आइडियोलॉजी है कि कैसे अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाए। लेकिन जिस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात कर रहे थे पटेल साहब अभी, तो कम से कम आप मोदी जी को, आप बड़े अच्छे व्यक्ति लगे, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप मोदी जी को भी समझाइए पटेल जी कि कम से कम देश के प्रति जवाबदारी, जिम्मेदारी और सजगता दिखाएं और देश की जनता को प्रताड़ित मत करें, लोगों को, राज्यों को कोयला जो है, जो उनकी, जो उनका हक है, वो अवेलेबल करवाएं। यही उनका राजधर्म है। एक बार अटल जी, अब बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं सनवर जी, बोलिए सर। देखिए कांग्रेस का जहां तक सवाल है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनके पास कुछ बताने को है नहीं। और मेरे विद्वान मित्र की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी कुछ उनको देती नहीं है बंदूक में कारतूस भरकर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो आम गरीब लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। 9 करोड़ मेरी माता और बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किसने किया अमित भाई? 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उनके स्वास्थ्य के लिए किसने जेब में रख दिया? आप प्रधानमंत्री मुद्दे से बता क्यों रहे हैं? देखिए उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ पराज जी, वो विद्वान मित्र हैं, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास किसने बना दिया था आपको 60 साल से? आपके गरीबी आवाज कट रही है। चलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत है सनवर जी, नेटवर्क को हम ठीक कर लेते हैं। अमित जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे प्लांट हैं जो कि सुपर क्रिटिकल स्टेज में हैं और 6 ऐसे प्लांट हैं जो कि क्रिटिकल स्टेज में हैं, क्या कुछ अब उन प्लांट्स के लिए स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हैं? देखिए मैंने जैसा आपको कहा, बालको जो 600 मेगावाट प्लांट है और स्टॉक हमारे पास 61.6 है, 6 दिनों का हमारे पास कोयला है। एनटीपीसी का अगर आप देखेंगे तो 2600 मेगावाट है, और स्टॉक अगर आप देखेंगे 110.3 है, वहां पर 3 दिनों का कोयला बचा हुआ है। एनटीपीसी सीपत की अगर हम बात करेंगे तो 29 और स्टॉक जो है 304.7 है, और वहां पर 8 दिनों का स्टॉक बचा है। और आपने जो कहा लगातार, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑफिसर यहाँ पर लगातार निगरानी रखे हुए, और इसके लिए कमी भी ना हो उसके लिए लगातार केंद्र की एजेंसी से भी बात किया जा रहा है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार से एक ही हमारी निवेदन है और कि बिजली घरों को तत्काल कोयला उपलब्ध वो कराए। और जिस प्रकार पटेल साहब ने कहा कि केंद्र बैठी हुई निरंकुश सरकार, वहां पर बैठे हुए हुक्मरान जो है उनको कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, और जो भी राज्यों में कोयले की कमी हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है अमित जी, एक सवाल मेरा और है, ऑप्शंस आप लोगों के पास और क्या है, और साथ ही क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बिजली कटौती की और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी अभी? देखिए त्योहारी सीजन के कारण जैसा मैंने आपको कहा कि बिजली की डिमांड में काफी बढ़त हो गई है जी। और लगातार अगर आप देखेंगे पटेल साहब, पराग जी, तो जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा कि जैसे अभी तो ईश्वर की दया से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह मानसून अच्छा हो गया, तो उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मानसून से में गर्मी से ज्यादा बिजली की मांग हो गई थी, और कम बारिश होने के कारण 24 घंटा जो है हमारे यहाँ कृषि पंप जो है खेत में सिंचाई उससे की जा रही थी, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ गई थी और लोड शेडिंग जो बढ़ गया था। तो हमारे यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि 3850 मेगावाट की जरूरत होती है और 47 पहुंच गई थी, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई की तुलना में डिमांड ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम उद्योगों से भी हमने बिजली काटने का, जो हमारे किसान भाइयों को क्योंकि पानी की आवश्यकता थी, पंप चलाना था, तो हमने उद्योगों की बिजली कम किए और किसान भाइयों को हमने दिया, क्योंकि केंद्र जो प्रदेश की सरकार है वहां के मुखिया खुद एक किसान है, किसानों की लेकिन उद्योग भी तो उतने ही जरूरी है ना अमित जी। निश्चित तौर पे देखिए मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ वो राज्य था कि कोरोना काल में जब पूरे देश में आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे दूसरे राज्य, लेकिन हमारी सरकार की ऐसी योजनाएं थी
कि यहाँ का जो चाहे वो किसान हो चाहे औद्योगिक घराना हो चाहे वो लगातार सुचारू रूप से चलते रहे, और केंद्र की बैठी हुई एजेंसीज ने और मोदी सरकार ने भी लगातार कई अवार्ड भी हमको इसके लिए दिए। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार जो है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है और ये पूरा प्रयास कर रही है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वासियों को ऐसी कोई स्थिति तकलीफ ना हो। ठीक है सनवर जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी महाराज जी। जी सनवर जी बोलिए। और प्लीज देखिए, दरख्वास्त है मेरी आप दोनों से ही, आप बिजली पर ही आज रहिए क्योंकि ये बड़ा गंभीर प्रश्न एक खड़ा हुआ है बिजली संकट को लेकर, लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं सर त्योहारी सीजन में। आप बोलोगे हम बोलते रहेंगे, लेकिन अगली डिबेट का भी वक्त दे रखा है। ठीक है सर, मैं जल्दी फ्री कर रहा हूँ, सनवर जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विपक्ष चूंकि यहां चार स्थानों पर उपचुनाव है, तीन विधानसभा में एक लोकसभा में, इन चारों उपचुनाव के चलते विपक्ष किसी प्रकार से जो खंड खंड में बटी हुई विपक्ष है, जो टुकड़ों टुकड़ों में एक एक अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई विपक्ष है मध्य प्रदेश में, वो विपक्ष किसी भी प्रकार से मतदाताओं को क्या हम किस प्रकार से भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की डमी बातें चलाने का काम कर रही है। ये डमी हवा जो है ये पंखे की हवा है, असली हवा नहीं है। मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने सारी बातों की चिंता करते हुए पहले भी आज भी 2.5 लाख टन का आज स्टॉक है, आने वाले समय में हमने 8 लाख मैट्रिक टन खरीदने का ऑर्डर टेंडर कर दिया है। किसी भी प्रकार से 8 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जनता है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए भगवान के समान है। किसी भी हाल में उनको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है अमित जी, एक सवाल और ये भी है मेरा इसमें, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि साहब कोई समन्वय केंद्र नहीं बैठ पा रहा, हालांकि बातचीत आप लोगों की लगातार जारी है, अधिकारी केंद्र संपर्क कर रहे हैं, अगर आने वाले वक्त में ही इसी तरीके की सिचुएशन रहती है तो आपको क्या लग रहा है सर, क्या आगे हो सकता है? अब देखिए मैंने हेलो जी किससे देखिए त्योहारी मौसम से पहले जैसा मैंने कहा ना कि बिजली की खपत जो है वो वृद्धि हुई है, उसमें कई गुना वृद्धि हुई है और कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण संकट की स्थिति जो कम से कम मैंने जैसा कहा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन 17% अगर अगर की तुलना में आप देखेंगे तो बिजली की मांग बढ़ी है। और जैसे हमने कहा कि क्यों ऐसी स्थिति आई, तो आपने कहा कि जैसे पटेल जी ने भी कहा कि खदानों में पानी भर गया और अर्थव्यवस्था में तेज, जो लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से जो मांग हुई और एक जो आयात होता है, जो क्योंकि हम जानते हैं भारत दुनिया में दूसरा कोयला आयातित बिजली खपत वाला देश है, तो लगातार मैंने जैसा कहा कि कुछ जो गलतियां है केंद्र की बैठी हुई सरकार ने की है, क्योंकि उनको लगातार जैसा 3888 कम हुआ है कोयले का जो आयात है वो अगस्त और सितंबर के महीने में 7 महीने की तुलना में कम हुआ है, इसके कारण भी एक दिक्कत आई है पराग जी। तो लगातार जैसे मैंने कहा कि अपूर्व बिजली संकट के मुहाने पे आज देश खड़ा है और इंपॉर्टेंट ये है कि देश में बैठी हुई जो सरकार है वो क्या चाहती है ये लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। कहते हैं ना आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है लेकिन आपके आंकड़े झूठे और दावे किताबी है, वो स्थिति आज केंद्र बैठी हुई सरकार की है। ठीक है सनवर साहब, एक आखिरी कमेंट आपका मैं इस पर चाहूंगा, क्योंकि देखिए लगातार आरोप ये लग रहा है कि साहब जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि आपूर्ति अच्छे तरीके से वहां पर हो रही है, कोई कमी वहां पर नहीं होने दी जा रही है, भेदभाव हो रहा है बाकी राज्यों के साथ में, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी केंद्र की बनती है? अभी किसको मानेंगे आप, कौन सी बात को सही मानेंगे? कभी आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में संकट है, अभी आपके प्रश्न में ये बात आ गई इनके माध्यम से कि हमारी जहां सरकार है वहां संकट नहीं है, तो कैसे इनको यही आया कि इस प्रकार के भ्रम। मेरा हर बार आपसे ये कहना रहता है आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ये संदेश देने का प्रयास करता हूं कि ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। देखिए आपके इस प्रश्न में ही भ्रम है जो इन्होंने किया है, तो इनको आप बता दीजिए
कि कहीं केंद्र की सरकार किसी भी प्रांत को दिक्कत नहीं आने देगी, क्योंकि वो संवेदनशील सरकार है, वो गांव गरीब और किसान के लिए काम करने वाली सरकार है। हाँ, ये प्रश्न उठाए, उसमें मनाही नहीं है, इनका धर्म है विपक्ष के नाते प्रश्न उठाना, लेकिन रचनात्मक कार्यों में अन्य विपक्षी भाइयों को भी साथ आना चाहिए। और मेरा एक जवाब इनको देना रह गया था, अगर आप समय दे तो मैं दे दूं। इन्होंने कहा था कि अन्य दल के जब लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो वो अच्छे हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा अमित जी कि कांग्रेस में सारे लोग खराब है, ये खराब है, ये कभी। जब वहां के अच्छे लोगों का वहां अपमान होता है, उनको जब वहां उनका दम घुटता है और उनका अपमान होता है, तो भारत के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी में काम करना आएगा? नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचार के साथ भारत के लिए काम करने अगर कोई आएगा, हम अभिनंदन करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सनवर पटेल साहब जुड़ने के लिए आज। साथ ही हमें शिवराज साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। बिजली के संकट की आहट नजर तो आती है, लेकिन फिलहाल अपने अपने दावे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भेदभाव हो रहा है, मगर जनता तो यही सोच रही है कि आखिर कब ऐसा हो कि उनके घर में अचानक से बिजली चली जाए, कोई कहीं ऐसी स्थिति तो ना बन जाए। हम हैं कि बेहतर समन्वय हो, कौन कम से कम ब्लैकआउट वाली स्थिति ना हो, और कॉली की आवश्यकता है वहां पर भी चलती रहे, ताकि त्योहारी सीजन में कम से कम जगमग जो घर होने चाहिए वो अंधेरे में ना रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। पचास से अस्सी